सबको मेरा नमस्कार। खाने के लिए कोई चीज है तो वो है गम। गम हमें सब खाना सीखिए, वही आपकी बहुत बड़े विजेता हो सकती हैं। और यदि आप परिवार के साथ में उठना बैठना अच्छी तरह से करेंगे तो आपकी हमेशा के लिए ज़िंदगी सफल हो सकती है। यदि आपने ज़िंदगी में कुछ भी काम करना है तो अच्छा कीजिए। जैसे मेरे एक दोस्त ने, उसके ज़िंदगी ने सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त ने ज़िंदगी बर्बाद किया। वो एक दिन का कम से कम 300 रुपये का गुटखा खा रहा था। उसके परिवार छूटा, उसकी बीवी छुट्टी, सब कुछ छूट गया, और तो भी उसको उसके माता पिता ने वो दूर कर दिया, अपने पत्नी और अपने बच्चों को दूर कर दिया, क्योंकि ये गुटखा खाने की आदत बहुत खराब है। मैं क्या बोल रहा हूँ पहले वो सोचिए। गुटखा खाएगा तो भी चलेगा और नहीं खाया तो भी चलेगा। यदि अपने माता पिता से आप साथ में रहेंगे, आपके अच्छे विचार रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होने वाली है और आपके बच्चे बच्चों की भी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है। क्योंकि आप ये पौधा हैं, जब पौधा मजबूत होगा तभी उसके ऊपर सब कुछ फूल अच्छे लगने वाले हैं। यदि पौधा भी अच्छा नहीं है, सूख गया, तो कैसे फूल लगने वाले हैं, कैसे पत्तियां लगने वाली है, कुछ भी ज़िंदगी काम की नहीं। यदि आपने एक दिन का 300 रुपये का गुटखा खा लिया तो एक महीना का हो गया 9000 रुपये, 300 × 30, 9000 रुपीस ओनली वेस्ट मनी गुटखा। ओके, 9000 × 12, 1,80,000 रुपीस वेस्ट ओनली फॉर गुटखा। गुटखा खाया बाढ़ थूका, गुटखा खाया बाढ़ थूका, अंदर से हड्डियों को बिगड़ा लिया। और वही पैसा कम से कम आपने गुटखा नहीं खाएंगे तो आपके माता पिता और आपकी पत्नी और आपके लड़की और लड़की उस पैसों से वो बहुत सारा घी रोटी खाना पीना, बहुत सारे आप लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है और हमेशा के लिए आप हष्ट पुष्ट रह सकते हैं। यदि आप संस्कार के अंदर जिएंगे तभी आपके ज़िंदगी सफल होने वाली है। क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जोश के अंदर वीडियो बनाते हैं, जो भी हमारे दिल के अंदर सच्ची बात आती है वही हम हमेशा के लिए शेयर करते हैं। जो हमारे को सच्ची बात नहीं लगती है वो बात कभी भी हम शेयर नहीं करते हैं। क्योंकि पहले सोचना खुद के दिमाग के, और जो बात सच्ची लगती है वही बात आगे शेयर करनी है। क्योंकि जैसे जो आदमी बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, परिवार को बर्बाद करता है, पैसा पूरा और पूरा वेस्ट कर देता है, इसलिए गुटखे बीड़ी सिगरेट खाना आज से ही बंद कीजिए। वो खाया तो भी चलेगा, नहीं खाया तो भी चलेगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी दोबारा किसी को मिलने वाली नहीं है। यदि आजकल ये छोटे छोटे बच्चे दारू भी खूब पी रहे हैं वो भी बंद कीजिए, क्योंकि पैसा कमाना बहुत कठिन है और पैसा खर्चना बहुत इजी है। क्योंकि हमने पैसे पैसे से एक एक पैसे का बहुत मेहनत करके ही कमाया, तब हमारे को मालूम है पैसे कमाना बहुत कठिन है और पैसा खर्च करना, चाहे 1 रुपये हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, पैसा खर्च करना तो 1 सेकंड में कर सकते हैं, पर एक दिन के अंदर 400-500 रुपये भी कमाना बहुत कठिन है। क्योंकि पैसा कमाना बहुत कठिन हो गया है और पैसा खर्चना बहुत इजी हो गया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कृपया करके आज से ही आप गुटखा बीड़ी सिगरेट दारू तंबाकू भांग
चाहे कोई भी आप गलत आदत के अंदर हैं, तो आज से ही उसको गलत आदत को बंद कीजिए, उसको इनकार कीजिए और आप स्वच्छ भारत के सामने हमेशा के लिए शुरू हो जाइए। जैसा आपका देश वैसा आपका भेष। यदि आपने सब कुछ छोड़ दिया तो आपकी आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है और आपके माता पिता की भी ज़िंदगी अच्छी होने वाली है और आपके परिवार ज़िंदगी में हमेशा के लिए सक्सेसफुल हो सकता है। यदि आपने ऐसा ही काम किया, आप और आपके परिवार आराम से बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए आज से ही मेरा कहना मानिए और ये सब कुछ गंदी आदत को सुधारिए। जब आप गंदी आदत को सुधार लेंगे तो आपकी हमेशा के लिए ज़िंदगी सफल हो सकती है और जब जॉइंट फैमिली के अंदर रहेंगे तो आपका खर्चा भी बहुत कम होने वाला है। खाने के लिए कोई चीज़ है तो गम है, और कोरोना को हराना है, इम्यूनिटी को हमेशा के लिए ज़िंदगी में बढ़ाना है। यदि आपको मुँह में कुछ भी खाना है तो हम बैठे हैं आपके सामने, जो हम बोलते हैं वो आप आराम से सुनिए। सौंफ सौंफ बिराली होता है, वो उसके अंदर तिली और उसके अंदर मिस्ती छोटी छोटी आती हैं, तीनों आइटम को मिक्स करके उसको आप गुटके की तरह खाइए और उनसे आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होगी और उनसे आपको वेजिटेबल भी नहीं होने वाला है और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। कृपया करके आप आपके परिवार के साथ में सुरक्षित से जीना चाहिए। ये यदि आप गलत आदतों के अंदर रहेंगे तो आप और आपके परिवार की ज़िंदगी खराब हो सकती है। घर पर बनाना सीखो विधि। एक चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच दालचीनी पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर और दो चम्मच सूट पाउडर, एक चम्मच लौंग पाउडर, दो चम्मच बादाम पाउडर, एक चम्मच सौंफ पाउडर, एक चम्मच अजवाइन पाउडर, एक चम्मच जीरा वो सौंफ का पाउडर, ये सब मिक्सी में डाल करके बारीक पाउडर बना करके 3-4 महीने तक काढ़ा बना करके काम में ले सकते हैं। काढ़ा बनाने समय 1 गिलास पानी या दूध में 1/2 टीस्पून घी मसाला का उपयोग करें। जल्दी से जल्दी ये इम्यूनिटी शरीर के अंदर आ जाएगी और जैसे आपके कितना भी शरीर वीक रहेगा, ये काढ़ा ये विधि आप बनाइए और घर के अंदर हमेशा के लिए कम से कम एक सप्ताह में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। रोज़ रोज़ नहीं करना है क्योंकि ये बहुत शरीर के अंदर गर्मी करता है और ये बहुत पावरफुल है। यदि आपके शरीर के अंदर सुस्ती रहती है तो ये 1 सप्ताह में 2-3 बार भी आप ले सकते हैं। आपके जो आपके शरीर के अंदर थकावट है वो भी इनसे थकावट को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और आप हमेशा के लिए बहुत पावरफुल शरीर रख सकते हैं। और कृपया करके गुटखे बीड़ी सिगरेट जल्दी से जल्दी आप बंद कीजिए, वो खाना बहुत गलत चीज़ है। और प्लीज़ 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 जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ये मेरा वीडियो कैसा लगा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कम से कम 10 ग्रुप के अंदर ये शेयर कीजिए क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों की ज़िंदगी अभी तक बचानी है, किसी को भी ज़िंदगी गंवानी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।